दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको इस टेबल को डायनेमिक बनाना सिखाऊंगा। जब भी मैं सर्च बॉक्स में कोई भी सब्जेक्ट यानी हिंदी इंग्लिश मैथ्स लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो ये कॉलम है वो हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा और यहाँ पर न्यू रूल पर क्लिक कर दूँगा। न्यू रूल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन इस पर जाऊँगा। देन यहाँ पर जो हमारे फॉर्मेट्स है, वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं सेल में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो ये रो और कॉलम यानी जी और फोर है वो हमारे लॉक हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने कॉलम को अनफ्रीज कर दूंगा, रो को लॉक कर दूंगा। इसके लिए मैं F4 प्रेस करूँगा। मैंने एक बार F4 प्रेस किया तो यहाँ पर हमारा जो कॉलम है वो अनफ्रीज हो गया और हमारी जो रो है वो फ्रीज हो गई। उसके बाद इक्वल टू के बाद अब मुझे सर्च बॉक्स में कोई भी नेम लिखना है तो यहाँ पर मैं सर्च बॉक्स वाले सेल को सिलेक्ट करूँगा। देन इसके बाद मैं फॉर्मेट को ओपन करता हूँ। उसके बाद अब मुझे अपनी जो ये कॉलम है वो हमारे ग्रीन कलर से हाईलाइट करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिल कलर में ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट बॉर्डर को ओपन करूंगा। बॉर्डर अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे मैं आउटलाइन बॉर्डर देना चाहता हूं, तो यहां पर मैं आउटलाइन बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। देन उसके बाद में फॉन्ट में जाकर अगर मुझे अपने टेक्स्ट को बोल्ड और इटैलिक करना है तो यहां पर बोल्ड इटैलिक कर दूंगा। उसके अलावा मुझे अगर जैसे मान के चलो मुझे अपना कलर कोई भी देना है, कलर फॉर्मेट जैसे मैंने यहाँ पर रेड को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद ओके और यहाँ पर ओके। अब मैं जब भी यहाँ पर हिंदी लिखूंगा तो हमारे जो हिंदी वाला कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, तो आप देखेंगे इंग्लिश वाला कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से अपनी टेबल को डायनेमिक बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।